हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी मेकर्स। माई सेल्फ पीयूष पांडे, मैं आप सभी का स्टॉक मनी मेकर्स में स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए तैयार की है, जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, और मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि आपको कौन सी बेसिस पे मेरा नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो इंट्राडे चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, ऑप्शंस पे चाहिए। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा लोगों ने 80% लोगों ने इंट्राडे को सिलेक्ट किया। तो मैं आप सभी के सामने वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मेरे बुक लिस्ट में है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रेटेजी आपको मिलियनर या बिलियनर बना देगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है, अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल के साथ अगर आप चलते हैं तो। ओके, सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, आप सबके साथ मैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूँ। सो लेट्स गो टुवर्ड्स दी स्ट्रेटेजी। ओके, सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस प्रीवियस ऑल वीडियोस रिगार्डिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजीज। ओके, डोंट फॉरगेट टू वॉच देम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको NSE की वेबसाइट पर आना है। NSE की वेबसाइट का कोई ऐसा मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको NSE की वेबसाइट पे आना, क्योंकि हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए हमें मिल रहा है, एक्यूरेट मिल रहा है, तो हम NSE की वेबसाइट पे आ रहे हैं। और यहाँ पे आके इक्विटी डेरिवेटिव्स आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो आफ्टर गोइंग विथ इक्विटी डेरिवेटिव्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके आपको स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस रहेंगे, उसमें स्टॉक ऑप्शंस में आपको जाना। ओके, सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऐसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जहाँ पे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या होने वाला है। सो इसलिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट पे आके स्टॉक ऑप्शंस में जाके हम अपना जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक सिलेक्ट करने वाले हैं। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक ऑप्शंस में हम आए हैं, यहाँ पे जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ट्रेड हो रहा है वो पर्टिकुलर दिन के अंदर। ओके, जैसे अगर आज 14th है, तो आज 14th को सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक जो भी ट्रेडिंग, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, कौन से स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अराउंड 5 to 6 स्टॉक है, लाइक रिलायंस, मारुति, ICICI, इन्फोसिस, येस बैंक, SBI, कोटक बैंक। ओके, सो इनमें से हम लोग को सिर्फ 3 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। 3 स्टॉक इसलिए क्योंकि आप 3 स्टॉक पे ज़्यादा फोकस रह सकते हैं। ओके, इंट्राडे के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो है फोकस। अगर आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाओगे तो आप इंट्राडे नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट रूल है कि आपको फोकस रखना है, और फोकस के लिए आपको 3 स्टॉक ही सिलेक्ट करना है। तो मैं टॉप 3 स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट वन इज़ रिलायंस, सेकंड वन इज़ मारुति, थर्ड वन इज़ ICICI बैंक। ओके, सो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चार्ट पे देख के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चल जाता है स्टॉक का। ओके, सो अगर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हूँ ये चार्ट को देख के। जैसे रिलायंस हम देख रहे हैं, ओके, रिलायंस का जो सी है आप देख सकते हो 1140, सेकंड सी इज़ 1120, थर्ड सी इज़ अराउंड 1160। ओके, एंड यस, देयर आर 3 सीज ऑफ रिलायंस एंड द फोर्थ वन इज़ अराउंड 1100। ओके, दिस वन इज़ पी, 1100 का एक पी है। ओके, दूसरा पी हम रिलायंस का देख सकते 1060 का, और तीसरा पी हम देख सकते 1080 का। तो ये जो पी है, ओके, तो हमारा जो रिलायंस का सपोर्ट होता है, जो सबसे फर्स्ट पी है रिलायंस का, हम देख सकते हैं पी, सबसे फर्स्ट पी रिलायंस का है 1100 का। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, आप देख सकते हो 6200 कॉन्ट्रैक्ट इधर वॉल्यूम है इधर। ओके, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया, 1100 का पी हमारा सपोर्ट हो गया, और हमारा रेजिस्टेंस हो गया 1140 का सी हमारा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड है वो अराउंड 8000 के है। ओके, तो ये जो 1140 का सी है वो हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया, और हमारा जो ये क्या बोलते हैं सपोर्ट है, सपोर्ट हमारा हो गया 1100 का पी। ओके, सो अब मैं चार्ट पे जाऊँगा। इसी तरह आपको रिलायंस, रिलायंस के बाद मारुति, मारुति के बाद ICICI बैंक, ये तीनों स्टॉक के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
ये ये फाइंड करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। सो आपके पास बहुत टाइम है ये फाइंड करने के लिए। और उसके बाद आपको पर्टिकुलर स्टॉक में जाना, जैसे अभी हमने रिलायंस का डिस्कस किया तो हम रिलायंस में जाते हैं। ये हम रिलायंस के चार्ट में आ गए। चार्ट को देख के आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत होइए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होगा। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है। और डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं कि नशी मैंने चार्ट स्टाइल सिलेक्ट किया है। आपको स्टडीज़ में जाके 3 इंडिकेटर्स मिलेंगे। मैं ये स्ट्रेटेजी का नाम है SSC। ये स्ट्रेटेजी का नाम है SSC, क्योंकि यहाँ पे हम जो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक और CCI है। तो इधर हम 3 इंडिकेटर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 3 इंडिकेटर के स्टडीज़ क्या है, इन्हें कैसे अप्लाई करना है और कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सुपर ट्रेंड के ये जो भी इंडिकेटर्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इनके स्टडीज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ये जो यूनिवर्सल इनके जो पीरियड है उनसे ये बहुत अलग है। तो आप प्लीज़ ये जो स्टडीज़ है इनको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में सेट करके ही ये स्ट्रेटेजीज़ को यूज़ कीजिएगा, वरना जो एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी सिग्नल्स की। तो जो पीरियड है वो 1 होना चाहिए, मल्टीप्लायर 0.1 होना चाहिए। ग्रीन यानी अप ट्रेंड, रेड यानी डाउन ट्रेंड। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए ताकि इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक का जो पीरियड है वो 5 होना चाहिए, ओवरबॉट तो 80 ही रखा है, ओवरसोल्ड 20 है। तो अनदर थिंग इज CCI, कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स, इसका जो पीरियड है वो 7 है, ओवरबॉट 100 और ओवरसोल्ड -100। ओवरसोल्ड में आपको पता चल जाता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, अब यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ओवरबॉट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि स्टॉक कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ चुका है। सो ये 3 इंडिकेटर्स है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का आपको लेना है ये स्ट्रेटेजी के साथ जाते हुए। आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आप कोई भी ट्रेंड, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी स्टॉक में आपको एंटर करने का है तो आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल जाता है। जैसे कि रिलायंस का जो सपोर्ट है वो समथिंग अराउंड 1100 का उसका सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंस है 1140 का है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिलायंस 1100 और 1140 के बीच में ट्रेडिंग करेगा आज। ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके हम चलते हैं। अगर 1100 के पास रिलायंस आता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 1103 के पास आता है, और लो उसने जो फॉर्म किया था वो 1101 का किया था। और जो हाई वो फॉर्म करेगा वो अप टू 1140 का वो कर सकता है, ऐसा मान के हम चलते हैं। तो जब भी रिलायंस ये सपोर्ट 1100 के पास आता है, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से अगर हमें ये सिग्नल्स बता रहे कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, तो हम वो पर्टिकुलर स्टॉक को बाई कर लेंगे। और 1140 के पास पहुँचते ही वहाँ से वो स्टॉक डाउनवर्ड जा रहा है। तो डाउनवर्ड जाते वक्त अगर हमें सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे सेल कर दो, तो हम सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो CCI है ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जा चुका है। तो ओवरसोल्ड जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक को बाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ओवरसोल्ड जाने के बाद ये मतलब है कि वो -100 के ऊपर कब आता है। आप देख सकते हो -100 के ऊपर उसको आने में बहुत टाइम लगा, वो यहाँ पे जाके -100 के ऊपर आया ये कैंडल पे। तो तब तक तो हम बाई नहीं करेंगे CCI को। और फिर स्टॉकेस्टिक और सुपर ट्रेंड, बराबर। पहले CCI देखोगे, फिर स्टॉकेस्टिक और फिर सुपर ट्रेंड। तो आप देख सकते हो कि CCI यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, लेकिन स्टॉकेस्टिक होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। सो हम सेकेंड कैंडल पे पूरे एक्यूरेसी के साथ हम सेकंड कैंडल पे बाई करेंगे, क्योंकि CCI तो पॉजिटिव हो चुका है, स्टॉकेस्टिक अप हो रहा है, और जो सुपर ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लोजिंग है वो 1105.96 है। और हम सेल कब करेंगे, पहली बात तो स्टॉप लॉस। आप कभी भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो स्टॉप लॉस आप क्या रखोगे, स्टॉप लॉस आप प्रीवियस कैंडल का लो रखो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस कैंडल का लो रखो, क्योंकि अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो कैंडल्स तो अप ही जाने वाले हैं। तो जो प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा उसको आप स्टॉप लॉस रख के पॉजिटिव ट्रेंड
फॉलो कर सकते हो. ओके सो अगर हम 1105.96 में बाय कर सकते हैं तो आप देख सकते हो कि ये हाई जो इसने बनाया था वो 1113 का बनाया था. लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप हाई प्राइस पे ही हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करो. ओके लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव या यहाँ पे CCI जो है वो ओवरबॉट पे आ चुका है. CCI का ओवरबॉट मतलब कि स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका है, अब यहाँ से डाउनफॉल की एक्सपेक्टेशन है. तो उस पॉइंट पे आप सेल कर सकते हो. यहाँ पे आपको ग्रेड नहीं है, कुछ है नहीं, आप यहाँ पे इजीली सेल कर सकते हो. तो यहाँ पे जो क्लोजिंग पॉइंट है वो 1110 यानी 5 रुपीस का जो इधर प्रॉफिट मिल रहा है. आप तो 5 रुपीस का जानते ही हो फ्यूचर्स में कितना हो जाता है. ओके और जो ब्रैकेट ऑर्डर का वो ऑर्डर करें उनके लिए 5 रुपीस बहुत होगा, मुझे पता है. तो ये जो 5 रुपीज़ है ओके ये आपको पता चल गया ना स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करना है और टारगेट आपको किस बेस पे रखना है. टारगेट आपको CCI के बेस पे रखना है. CCI ओवरबॉट पे आ गया तो आपको सेल कर देना है. ओके स्टॉकिस्टिक और सुपर ट्रेंड का नेगेटिव होने का वेट मत कीजिएगा, वरना आप प्रॉफिट बराबर बुक नहीं कर पाओगे, आप 2-3 रुपये का ही प्रॉफिट बुक कर पाओगे. और ऐसा नहीं कि ये एक ही ट्रेंड हुआ है, आप देख सकते हो पूरे दिन में ऐसे आपको 2-3 ट्रेंड मिले होंगे. अगर आप शॉर्ट सेल भी करते हो तो भी आपको वो ट्रेंड मिलता है, आइडेंटिफाई कर पाते हो आप. ओके अभी हम जाएंगे मारुति के साथ. आप देख सकते हो मारुति का चार्ट है इधर, ये सब आज का ही है. ओके ये डेट 14th का ही है, आप देख सकते हो चार्ट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी CCI नेगेटिव है लेकिन कैंडल्स कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहे हो रहे हैं. ओके तो कैंडल्स तो कंटिन्यूसली फॉल हो रहे हैं लेकिन ये CCI पॉजिटिव भी नहीं है, स्टॉकिस्टिक भी पॉजिटिव नहीं है. तो हम ऐसे स्टॉक को बाय नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ CCI. ओके सो इग्नोर सच थिंग्स. जब ये तीनों चीज़ें लाइन में आ जाए तभी आप एंटर कीजिएगा. जैसे कि CCI यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, स्टॉकिस्टिक ऊपर जा रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है वो 100% हो गई क्योंकि हमारे जो तीनों इंडिकेटर्स है वो बाय के लिए हमें कह रहे हैं. तो बाय के लिए कह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बाय करेंगे यहाँ पे. ओके तो 7571 से हमने ट्रेंड को कैच किया यहाँ तक 7593 तक. 7593 तक इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि CCI जो है वो ओवरबॉट हो चुका है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन बुक आवर प्रॉफिट्स. ओके और अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो. जब भी CCI ओवरबॉट सिग्नल दे दे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या उसके प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आगे भी बढ़ सकते हो. ओके आप देख सकते हो अगर आप ऐसा करते हो तो आप देख सकते हो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडल का लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है. तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है. इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट में. ओके और सेम हम ICICI बैंक के साथ भी देख सकते हैं. आज मैंने 3 चार्ट इसलिए एक्सप्लेन किए क्योंकि स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आपको समझ में आनी चाहिए, जो रूल्स है वो आपको समझ में आने चाहिए. आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो अगर उसे पेपर ट्रेड नहीं करते हो, बैक टेस्टिंग नहीं करते हो तो आप उस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते. और कोई भी एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कीजिए. मेरे बहुत सारे प्रीवियसली जो वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने वो सारे वीडियो अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ है और हर स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकते हैं. लेकिन आपको उस पर हार्डवर्क करना पड़ेगा, उस पर थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि अप्लाई करो और पैसा कमाओ, ऐसा नहीं होता. आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करके उसे पेपर ट्रेड करना है 1-2 वीक के लिए. ना जाने कितने स्टूडेंट्स मेरे जो आज है उन स्ट्रेटेजी के बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं. ओके सो ये आपको इजीली आपको ट्रेंड बता सकते हैं और ट्रेंड के साथ आप फ्लो होते जाइए और अच्छा खासा पैसा कमाइए. सो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. और ये सब वीडियो को देखने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत. आके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और उसी मोटिवेशन के बेस के ऊपर हम जो अगला वीडियो है वो अच्छा खासा बना के आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि जो भी स्ट्रेटेजीज है वो आप तक पहुँचे और आप उनका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो. ओके कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये जो स्ट्रेटेजी जब आप अप्लाई करते हो और आपको बेनिफिट मिलती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ कोई ऐसा जो लोग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो वो तो मुझे व्हाट्सएप करते ही है. तो आप लोग भी कीजिएगा. ओके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा. व्हाट्सएप ग्रुप सबके लिए फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है. वहाँ पे हम इंट्राडे स्ट्रेटेजी, PDFs, बुक्स, न्यूज़,
रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, हम सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते हैं अपने मेंबर्स के साथ, और फ्री पोजिशनल और इंट्राडे टिप्स भी शेयर करते जो कि उनके लिए बहुत यूज़फुल रहती है। सो गाइस, मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, सो नथिंग इन दैट। और मैं हम लोग हर सैटरडे और संडे को एक क्विज़ रखने वाले हैं। ओके, सो पार्टिसिपेट कीजिएगा वो क्विज़ में। ओके, और कमेंट में आंसर दीजिएगा क्विज़ में पार्टिसिपेट करके, जो भी सही रहेगा उनके आंसर्स को हम अप्रिशिएट करेंगे। ओके, एज अ मेंबर ऑफ स्टॉक मनी मेकर्स वी ऑल आर वन फैमिली, सो प्लीज़ हैव अ पार्टिसिपेशन इन दैट। ओके गाइस, आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। प्लीज़ गो एंड फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट इट, पेपर ट्रेड इट, watch it in live market and then go for live trading platform. Okay, don't forget to like and subscribe Stock Money Makers, join the free WhatsApp group. Okay, and whatever doubt you have, you can mail me anytime, you can WhatsApp me anytime, I will reply to it. Okay, so guys, thank you, have a nice day, happy trading, happy investing, just don't stop learning. Okay, thank you.